अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल होम एडवेंचर। आज मैं आपके लिए फिर से एक इजी क्विक रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि रमज़ान है तो किसी का भी कुछ बनाने का दिल नहीं करता, इतना रोज़ा लग रहा होता है। तो इसलिए मैं आपके लिए एक फिर से इजी और क्विक रेसिपी लेके आई, जिसका नाम है चीज़ी पैटिस। इसको बनाने के लिए मैंने 1 ब्रेस्ट चिकन लिया है, उसके अंदर टिक्का मसाला डाला है और ऑरिगैनो डाला है। तो जितने भी क्वांटिटी मैंने चीज़ों की डाली है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वैसे तो ये खुद ही स्पाइसेस होते हैं, खुद ही अपने टेस्ट के हिसाब से डालना चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको पैन लेके उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के कुक कर लेंगे। ये पक चुका है कम्प्लीटली। अब आपने ब्रेड लेना है और एक कटर लेना है, उससे इसको कट कर लेना है। उसी कटर की मदद से एक और स्लाइस कट करना है। अब ये 2 इक्वल साइज के हो गए हैं। अब जो एक था उसमें छोटा वाला काट लेंगे, छोटा क्योंकि कटर रख के काट लेंगे। इस तरह से एक रिंग बन जाएगा और एक सिंपल प्लेन गोल ब्रेड बन जाएगी। अब इनके सेंटर में आपने केचप डालनी है और थोड़ी सी केचप डालनी है, बिल्कुल इनके सेंटर में डालनी है। इस तरह से सबके सेंटर में डाल देनी है। इसको अच्छे से स्प्रेड करना है। उसके बाद इसके ऊपर चिकन रख लेना है। चिकन आपने ज़्यादा नहीं रखना, थोड़ा रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रख देंगे तो वो बंद नहीं होंगे सही से, जो रिंग है उसके नीचे आएंगे। तो रिंग से रिंग के दरमियान दरमियान में रखने हैं आपने। अब इनके ऊपर चीज डाल देनी है, इनके ऊपर ऑरिगैनो डालेंगे, लेकिन उससे पहले साइड पे जो उसकी रिंग है उसके ऊपर बटर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद ऑरिगैनो स्प्रिंकल कर देना है। बाद हम इनको बेकिंग ट्रे में ट्रांसफर करना है, ऑयल लगाने ना बेकिंग ट्रे पे, फिर इसको 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। ये हैं मेरे बहुत ही मज़ेदार सारे चीज़ी पैटिस। आप इनको ज़रूर ट्राई करें घर में, बहुत ही इजी और मज़े के वो बनते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना और नीचे कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। अल्लाह हाफिज़।